अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटिए, यह आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे में आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना गया। ममता बनर्जी से मुलाकात प्रदर्शनकारियों की हो सकती है, ये रह रहकर खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर भी डॉक्टर्स ने अभी सहमति जाहिर नहीं की है कि हाँ वो मिलेंगे ही। ऐसे में कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए इस दुष्कर्म की घटना, रेप और मर्डर की घटना के बाद गुस्साए हुए हैं तमाम डॉक्टर्स और हड़ताल वो लगातार कर रहे हैं। 32वां दिन इस हड़ताल का है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। कहना यह है कि जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से मिलने की बात कही, मिलने के लिए बुलाया, लेकिन डॉक्टर्स राजी नहीं हुए। ऐसे में बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाएगा, और ये बातचीत तभी हो सकती है जब डॉक्टर्स पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ बात करने के लिए। ऐसे में क्या ये मुलाकात का समय तय हो पाएगा, मुलाकात हो पाएगी क्या, इसको लेकर अपडेट हम ले लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रौनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रौनिक, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने एहतियात बरतने के लिए कहा था, ये हिदायत दी थी कि आप मान जाइए, काम पर वापस लौटिए, वरना हमें एक्शन लेना होगा। क्या ये डॉक्टर्स एक्शन से डर नहीं रहे, और अगर ये हड़ताल वापस नहीं ले रहे तो अगला कदम क्या होगा, मुख्यमंत्री से मिलेंगे क्या? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन दिया गया था कि शाम को 5 बजे के अंदर डॉक्टर्स को काम रिज्यूम करना पड़ेगा, मगर कल 5 बजे के बाद भी दिखा गया कि डॉक्टर्स का ये जो हड़ताल, ये हड़ताल जारी है। और डॉक्टर की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक उन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक ये सीज वर्क कंटिन्यू रहेगा, यानी जूनियर डॉक्टर की तरफ से कोई काम नहीं किया जाएगा। मगर जो सीनियर डॉक्टर है वो सीनियर डॉक्टर जो काम उनकी तरफ से किया जा रहा है वो किया जाएगा, वो बंद नहीं किया जाएगा। मगर जो जूनियर डॉक्टर है वो काम नहीं करेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। उन लोगों का 5 डिमांड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है कि कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस की तरफ से जिस तरीके से मिसलीड किया गया था, कोलकाता पुलिस की तरफ से जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन का पहले दिन से लापरवाही किया गया था, इसी के जिम्मेदारी लेते हुए कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से जो डेटा दिया गया था कि जूनियर डॉक्टर्स का ये हड़ताल के वजह से 23 लोगों का मौत हुआ है, इसका जो ये जो डेटा जिस जगह से आया था, यानी वेस्ट बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट, उस हेल्थ डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नारायण स्वरूप निगम, उनको भी रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, ये डिमांड डॉक्टर की तरफ से रखा जा रहा है। क्योंकि उन लोगों का कहना है ये जो स्वास्थ्य दफ्तर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस से ही जो करप्शन चालू होता था, संदीप घोष जैसे जो सिंडिकेट लीडर, उनका उनको सपोर्ट करना ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता था, एक सिंडिकेट चलता था, जिस सिंडिकेट के वजह से आर्चिकॉर मेडिकल कॉलेज में हो या दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज, हर जगह में ये जो रैगिंग कल्चर, ये कल्चर दिखाई देता था, इस तरीके का जो बयान वो डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर्स का डिमांड है कि हेल्थ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी को रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, ये डिमांड है। और इसके साथ साथ ही जो आर्चिकॉर मेडिकल कॉलेज और दूसरा जो हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर्स काम करते हैं, उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये डिमांड रख के डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। उसी टाइम पर कल एक इंफॉर्मेशन आया था कि नवर्नो की तरफ से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनके तरफ से डॉक्टर के पास एक मेल आया है जिसमें ममता बनर्जी उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन आया था। ये नवर्नो के सूत्र मार्फत जो खबर मिला था, मगर इसको ही डॉक्टर की तरफ से ठुकरा दिया गया। डॉक्टर की तरफ से कहा गया एक मेल उनको आया है, मगर वो मेल आया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट यानी नारायण स्वरूप निगम, जिसका रेजिग्नेशन का डिमांड डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है। उनके तरफ से ये मेल आया है जिसमें बोला गया है कि अगर डॉक्टर्स चाहे तो उनके साथ मुलाकात करने के लिए तो उनको आना पड़ेगा नवान्न, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आना पड़ेगा, वो भी 10 लोगों से ज़्यादा नहीं। इस तरीके का मेल पाने के बाद डॉक्टर्स की तरफ से कहना है कि ये जो मेल आया है, ये डॉक्टर का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको इंसल्ट करने के लिए इस तरीके का मेल किया गया है, और इसी वजह से डॉक्टर ये मेल का जवाब भी नहीं देंगे, उन लोगों के साथ मुलाकात भी नहीं करेंगे, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। और इसी वजह से कल मुलाकात करने के लिए वो लोग पहुँचे भी नहीं थे। और डॉक्टर्स का ये कहना है अगर ममता बनर्जी, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर चाहेगा तो वो लोग मीटिंग कर सकते हैं, मगर ये जो बुलाने का तरीका सही
होना चाहिए और ममता बनर्जी के डिपार्टमेंट की तरफ से ये मेल उनके पास आना चाहिए, तभी वो लोग ये जो मीटिंग वो मीटिंग में बैठेंगे। यानी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आश्वासन उन्हें लिखित में चाहिए। और आप ये पहले भी कहा था डॉक्टर्स ने कि जब तक राज्य सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक हम ये प्रदर्शन रोकेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया रौनक आपका, आगे जो भी गहमा गहमी रहेगी इस खबर से जुड़ी हुई आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं, कहीं मत जाइएगा।